शहडोल जिले के थाना अमलाई क्षेत्र अंतर्गत संचालित एएससीएल के सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर वहां रखे बेशकीमती तांबे की लूट कर फरार हुए बदमाश। बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वालों चार बदमाशों को अमलाई पुलिस ने घटना के महज 6 घंटे के भीतर पकड़ लिया। लूट का माल भी जब्त कर लिया है। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जब्त किया गया लूट का तांबा और पिकअप वाहन की कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है। अमलाई थाना अंतर्गत एएससीएल के बुढ़ार ग्रुप में अज्ञात बदमाशों ने देर रात धावा बोला। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर वहां रखे बेश कीमती तांबे के तार को लूट कर पिकअप वाहन से शहडोल जिला मुख्यालय ले जाने के फिरार में थे। तभी एएससीएल के कर्मचारी मामले की लिखित शिकायत थाने में की गई। अमलाई पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश जारी कर दी, जिन्हें घटना के महज 6 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। एएससीएल के कर्मचारी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले फिरदौस खान, मो अली शिव पासी, दीपक राय को पकड़ लिया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जब्त किया गया लूट का तार व पिकअप वाहन की कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है। ये 19-20 मई की दरमियानी रात करीब 1 बजे के आसपास का वाकया था। यहाँ एक ग्रुप स्टोर है एसीसीएल का, वहाँ पर एक संतरी था, उसको गार्ड उसको कुछ लोगों ने बंधक बनाया था और वहाँ पर रखा हुआ केबल और केबल कुछ कापड़ था और केबल तार जो था उसको लूट ले गए थे। पहले तो कुछ पता नहीं चला, एक पिकअप गाड़ी भी ले गए थे, उसमें गाड़ी में लोग ले गए थे लोग, तो पहले तो कुछ पता चला नहीं। बाद में 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जैसे शिवा पासी, मोहम्मद अली, फिरदौस खान, दीपक राय, ये इनको चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इस घटना में पिकअप प्रयुक्त हुई थी वाहन वो भी जब्त कर लिया गया है। कैनन न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।